स्वागत है आप सबका। मैं विवेक बिंद्रा, मोटिवेशनल स्पीकर, लीडरशिप कंसल्टेंट, बिजनेस कोच। मेरे जीवन का सपना अपने देश में कॉर्पोरेट लीडरशिप और एंटरप्रेन्योरशिप तैयार करना। मैंने स्टूडेंट्स पे केस स्टडी डाला था इंडियन एजुकेशन सिस्टम पे। आपसे पूछा अगर 1,00,000 लाइक देंगे दोबारा वीडियो बनाऊंगा। आपने 1,00,000 से कहीं ज्यादा लाइक्स दे दिए, मैं वापस आ गया। आज का मेरा टॉपिक है पैशन से प्रॉफिटेबल प्रोफेशन तक। कम ऑन, पैशन से प्रॉफिटेबल प्रोफेशन तक। पर पहले ना समझते हैं, आज मैंने कई स्टूडेंट से इस वीडियो के बाद मिला, उनसे पूछा स्टूडेंट लाइफ में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है क्या। बोले लैक ऑफ क्लैरिटी, किधर जाएं, क्या काम करें, किस करियर में जाएं, किस प्रोफेशन में जाएं, कौन सा बिजनेस करें, लैक ऑफ क्लैरिटी, कौन से सब्जेक्ट चूज करें, कौन सा कोर्स करें, लैक ऑफ क्लैरिटी, किधर जान लगाएं। सबसे पहला चीज, हर हॉबी आपकी प्रोफेशन बन सकती है, हर स्ट्रेंथ आपकी प्रोफेशन बन सकती है। आप करना क्या चाहते हैं? जुनून। हाथ देखिए मेरा, कम ऑन, जुनून। किस चीज का जुनून सवार है आपके ऊपर, किस चीज का? आपको पता है इतिहास कौन रचता है? कभी भी कोई बुद्धिमान आदमी इतिहास नहीं रचता। देखा है आपने कभी? मतलब ही नहीं है, बुद्धिमान लोग इतिहास नहीं रचते, बुद्धिमान लोग इतिहास पढ़ते हैं। इतिहास रचते कौन है? पागल लोग। जो पागल हो जाते हैं वही इतिहास रचते हैं। कमान, वीडियो देखा था आपने, इतिहास रटना नहीं है, इतिहास रचना भी है। इसलिए बुद्धि की बात नहीं आज मैं कर रहा, जुनून की बात कर रहा हूं, बुद्धि बाद में। कमान, जुनून, क्या काम करने में आपको जुनून है? पैशन वो चीज होती है जिसके लिए अगर आपको तनख्वाह ना दी जाए तो भी आप करने को तैयार हैं। जब आप बहुत ज़रा थके हो तब भी वो काम करने को मजे से तैयार हैं। बहुत नींद आ रही हो तब भी काम करने को मन से तैयार हैं। संडे का दिन तब भी आप वो काम करने को मन से तैयार हैं। वो काम जो बिना पैसे के लिए भी आप बड़े उत्साह से कर लेते हैं उसको बोलते हैं पैशन। और इमेजिन करिए जब आप बिना पैसे के लिए उतने उत्साह से करते हैं, उसके लिए पैसा भी मिलना चालू हो जाएगा, आपकी जीविका भी आपको मिलनी शुरू हो जाएगी, तो आप क्या कर सकते हैं? कुछ भी कर सकते हैं आप। बड़ी ग्रोथ आपके पैशन में छुपी है, जुनून। कम ऑन, अगला स्टेप पैशन ढूंढने के बाद, अब देखिए खाली पैशन देखने से काम नहीं होगा। हॉबी आपको सफल नहीं बनाती, केवल पैशन आपको सफल नहीं बनाएगा। पैशन को डायरेक्शन दीजिए, पैशन को एक शेप दीजिए, उसको एक प्रॉब्लम सॉल्विंग पर्पस बनाइए। कम ऑन, क्या 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 आपका पैशन जो आपके अंदर है उससे समाज की कोई प्रॉब्लम सॉल्व होती है? एक बार और, कम ऑन कम ऑन कम ऑन, जो जिस चीज का आपको जुनून है, क्या आपके जुनून से मार्केट में समाज की कोई बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व होती है? क्या कोई आप कस्टमर की ऐसी प्रॉब्लम सॉल्व कर पा रहे हैं जो वो अपने आप नहीं कर पा रहा हो? क्या आप मार्केट में बड़े छुपे हुए किसी गैप को आप सॉल्व कर पा रहे हैं? ऐसा एक पर्पस बनाइए लाइफ का, ढूंढिए आपके पैशन से किस प्रकार से मार्केट में कोई बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती हो। ये स्टेप नंबर 2 था। अब उसके बाद बड़ा सिंपल, इसको एक प्रॉफिटेबल बिजनेस में कन्वर्ट करिए, यानी कि प्रॉफिट ढूंढने का प्रयास करिए जहां से बिजनेस मेथड बन सके। हॉबी लंबे टाइम चलती नहीं है, हॉबी बचपन में चलती थी। जिंदगी भर चलाना है तो एक प्रॉफिटेबल सस्टेनेबल प्रोफेशन बनाना पड़ेगा। तो तीसरा पॉइंट है प्रॉफिटेबल प्रोफेशन। हॉबी को हॉबी की तरह ना छोड़ के एक प्रॉफिटेबल प्रोफेशन उसमें ढूंढने का प्रयास करें कि क्या आपके इस पैशन को, जिससे आप प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। पैशन यहां है, प्रॉब्लम वहां है। कम ऑन, ध्यान दीजिए, पैशन यहां है, प्रॉब्लम वहां है। इस पैशन और प्रॉब्लम को जब एक बनाएंगे, वहां देखिए बिजनेस का मेथड लगा दीजिए जिसमें एक प्रॉफिटेबल प्रोफेशन भी बन जाए, और फिर देखिए पट 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 आपकी ग्रोथ होगी। जिंदगी में बड़े बड़े उदाहरण क्यों कहीं देना चाहता हूं आपको, मार्क ज़ुकरबर्ग से शुरू करते हैं। मार्क ज़ुकरबर्ग अपने मिडिल स्कूल के समय में 6th 7th 8th स्टैंडर्ड में, तभी से उन्होंने सॉफ्टवेयर बनाने शुरू कर दिए थे, बड़े पैशनेट थे एप्लीकेशन बनाने के लिए। साइनैप्स मीडिया प्लेयर सॉफ्टवेयर उनका हाई स्कूल का प्रोजेक्ट था। जब तक वो हार्वर्ड में आए तब तक तो उनको प्रोग्रामिंग प्रोडिजी के नाम से जाना जाने लगा, बहुत फेमस हो गए थे। फेसमैश नाम का पहला बड़ा वेंचर उन्होंने हार्वर्ड में ही शुरू कर दिया था, वही फेसमैश जो आगे चल के फेसबुक बना। इससे उन्होंने, देखिए ये था पैशन, अब है मार्केट की प्रॉब्लम। दुनिया डिस्कनेक्टेड हुए जा रही थी, उन्होंने फेसबुक से उसको कनेक्ट किया, मार्केट की प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। जब मार्केट की प्रॉब्लम सॉल्व करने लगे, उसको इस तरह से करी कि बहुत ट्रैफिक आया, और जिसके पास जनता है उसकी दुनिया सुनता है। अब उन्होंने ऐड लगानी शुरू कर दी, ऐड लगाई, आज इतना बड़ा प्रॉफिटेबल वेंचर कि दुनिया के सबसे बड़े रईसों में मार्क ज़ुकरबर्ग का नाम आ गया। जीवित लोगों में सबसे लंबे समय तक सबसे ज्यादा अमीर शख्स कहलाए जाने वाले व्यक्ति बिल गेट्स, इनका भी बड़ा सिंगल माइंडेड जुनून था कोडिंग और टेक्नोलॉजी के विषय में। बचपन से कोर इंटरेस्ट इनका 13 साल की उम्र में प्रोग्रामिंग के अराउंड हो गया। टिक
टिक-टैक-टो नाम का पहला कंप्यूटर प्रोग्राम लिखा बचपन में। कोडिंग, प्रोग्रामिंग, टेक्नोलॉजी, ये तो था इनका पैशन। ध्यान दीजिए, कम ऑन, ये था इनका पैशन। और मार्केट की करी सॉल्व प्रॉब्लम। कौन सी प्रॉब्लम? विंडोज को लेकर के आए, मार्केट की प्रॉब्लम को सॉल्व किया, दुनिया का जीवन आसान कर दिया। आज अगर माइक्रोसॉफ्ट नहीं रहा, 90% पृथ्वी अचानक रुक जाएगी। बहुत बड़ा प्रॉफिटेबल प्रोफेशन चालू किया। ध्यान दीजिए, पैशन, मार्केट की प्रॉब्लम और साथ में प्रॉफिटेबल प्रोफेशन। सिंपल है जी, तीन स्टेप। देखिए, आपने सुना है वो जो हिंदुस्तान में खाना बनाते हैं ना, संजीव कपूर, हाँ सुना है? आज उनका भी वैल्यूएशन 1,000 करोड़ का हो गया। छोटे से थे बचपन में, जब उनकी माँ उनकी बहन को खाना बनाना सिखाती थी, वो कहते थे मम्मी खाली इसको सिखाओगे, मुझको नहीं सिखाओगे। बचपन से उनके मन में इच्छा आ गई, क्योंकि देखिए ध्यान दीजिएगा, खाना बनाना उनके लिए एक जुनून के जैसा था, अच्छा लगता था, टेस्ट ऑफ सक्सेस मिलता था, खाना बना के मजा आ जाता था उनको। ध्यान दीजिए, कम ऑन, जुनून, जुनून। इधर था उनका पैशन। देखा उन्होंने मार्केट में एक बड़ी प्रॉब्लम, कि बढ़िया खाना खाने का शौक सबको, लेकिन ढूंढते ढूंढते लोग उन्हीं प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उन्होंने बना दिया प्रॉफिटेबल प्रोफेशन। येलो चिलीज नाम के उनके रेस्टोरेंट आज पूरे देश में आ गए हैं, ब्रांड एंडोर्समेंट करते हैं, कई और चीजें मिला के आज 1,000 करोड़ की वैल्यूएशन हो गई है। जो आपको अच्छा लगता है करना, उसमें प्रोफेशन बन जाता है। कपिल शर्मा देखते हो ना, कपिल शर्मा शो, वो कहां से आया? छोटा सा बच्चा था, जब भी कुछ कोई मोहल्ले में कोई प्रोग्राम हो, लोग उसको स्टेज पे खड़ा हो जा करा देते थे, बोल भाई तू कुछ आज बोल के सुना। और जब वो कुछ बोलता था, लोग ताली मारते थे, उसका उत्साह और बढ़ता था, अगली बार और अच्छा बोलता था। ये जो बतौलेबाजी का उसका एक्सपर्टीज था ना, उसको उसने प्रोफेशन में कन्वर्ट किया। देखिए कैसे ये बना उसका पैशन। कम ऑन, क्या मेरा हाथ देखिए, पैशन, पैशन यहां है, मार्केट में प्रॉब्लम यहाँ है। मार्केट की प्रॉब्लम क्या है? स्ट्रेस, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, टेंशन, हाइपर डिप्रेशन, इतने परेशान दुनिया, उनको हंसा दो, आपको याद रखेगी जिंदगी भर। और वही किया कपिल शर्मा जी ने, सबको हंसाया, इतना हंसाया, ग्रेट लाफ्टर इंडियन चैलेंज शो, पहली बार वहाँ से 10 लाख रुपए जीते थे, कभी दोबारा मुड़ के नहीं देखा। ध्यान दीजिए, तीन स्टेप बताए मैंने आपको। पहले क्या करिए, पैशन ढूंढिए जो इधर है, उसके बाद ढूंढिए प्रॉब्लम जो इधर है, उसको बिजनेस मेथड में कन्वर्ट कर दीजिए, ताकि प्रॉफिट टेबल प्रोफेशन बन जाए। गुजरात के बड़े व्यापारी करसन भाई पटेल, उनका केमिस्ट्री में था बड़ा पैशन। उन्होंने बीएससी किया, 21 साल की उम्र में लैब टेक्नीशियन की नौकरी लगी, लेकिन शाम के समय में, ध्यान दीजिए, याद है आपको मैंने क्या बताया था, पैशन वो चीज है जो बिना तनख्वाह के लिए भी आप करने लग जाते हैं। शाम के समय में अपने ही घर में बैठ के, क्योंकि केमिस्ट्री इनका पैशन था, एक डिटर्जेंट बना डाला, एक डिटर्जेंट बना डाला, जिसको खुद घर में यूज करने लगे, पड़ोसियों को भी देने लगे। अभी तक क्या था? खाली पैशन, हॉबी। खाली हॉबी से कुछ नहीं होता। देखा मार्केट में प्रॉब्लम क्या है, डिटर्जेंट बड़े महंगे, क्वालिटी बड़ी हल्की। उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इन्होंने इसको ज्यादा क्वांटिटी में बनाना शुरू कर दिया। मार्केट की प्रॉब्लम सॉल्व करी और उसको प्रॉफिटेबल वेंचर, प्रॉफिटेबल प्रोफेशन बनाया। लैब टेक्नीशियन की नौकरी छोड़ी, आज आप जानते हैं वॉशिंग पाउडर, निरमा, दूध, सी सफेदी छा गया है पूरे देश के अंदर। सिंपल है, मैं बिजनेसमैन की उदाहरण भी दे रहा हूं। अगला उदाहरण है दिलीप छाबड़िया। दिलीप छाबड़िया बचपन से ही अजीब से व्यक्ति थे, हाँ, कार में खाते थे, कार में सोते थे, कार में नहाते थे, कार में पीते थे, कार में जीते थे, सब कुछ कार के लिए करते थे। कार 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 कार, पैशन था, जुनून। भूल गए क्या आप? जुनून, किस चीज का पैशन है आप में, ढूंढिए। और उस पैशन को देखा, मार्केट में प्रॉब्लम क्या है, लोगों को खूबसूरत गाड़ियां चाहिए, और बड़े ब्रांड्स जब वो हजारों की तादाद में गाड़ियां बनाते, इतनी खूबसूरत बना नहीं पाते। लोगों की इस इच्छा को, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उन्होंने चालू किया डीसी, दिलीप छाबड़िया डिजाइनर कार। कुछ भी दे दो, ऐसा बना देंगे कि आपकी आंख चौंक जाएगी, बुद्धि चकरा जाएगी उनकी खूबसूरत गाड़ियां देख करके। ऐसा जीते थे वो गाड़ियों को, ये जुनून था। और आज इतना बड़ा ब्रांड बन गए दिलीप छाबड़िया कि जिसको गाड़ियों का शौक हो वो दिलीप छाबड़िया को ना जानता हो संभव नहीं है। मैंने आपको तीन स्टेप्स बताए, ध्यान दीजिए, ढूंढिए आपका जुनून क्या है, कम ऑन, पैशन, कम ऑन, जुनून क्या है, ढूंढिए मार्केट में कौन सी प्रॉब्लम आपका जुनून सॉल्व कर सकता है, और उसको प्रॉफिटेबल प्रोफेशन में बनाने के लिए अब प्लान ऑफ एक्शन बना ले, सिंपल। आजकल तो वैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स भी मेरे लीडरशिप फनल में आने लगे हैं, लेकिन ये स्टूडेंट्स के लिए मैंने वीडियो बनाया इसलिए क्योंकि कल पिछली दफा आपने बहुत लाइक्स दिए। क्या आप चाहते हैं स्टूडेंट्स अपना क्लैरिटी के साथ में कॉर्पोरेट लीडरशिप, एंटरप्रेन्योरशिप बिल्ड कर सके?
अगर आप चाहते हैं मैं और वीडियो बनाऊं, पिछले लाइक का भी रिकॉर्ड तोड़ दीजिए इस बार, पिछली बार 1.25 लाख के नजदीक और रिकॉर्ड तोड़ के और लाइक्स दीजिए, पता चलता रहेगा कि स्टूडेंट के लिए मुझे और वीडियो बनाने हैं, मैं जरूर बनाऊंगा आपके लिए। अगर किसी स्टूडेंट को क्लैरिटी नहीं है, कम ऑन क्या नहीं है, क्लैरिटी नहीं है, ये आपस में ग्रुप्स में शेयर करिए, इन व्हाट्सएप वीडियोज को इनको डाउनलोड करके शेयर करिए, हो सकता है उनके जीवन में उनकी मदद हो जाए। और मेरा आज का प्रश्न है, आज के समय में स्टूडेंट्स की सबसे बड़ी समस्या क्या है, एक बार और आज के समय में स्टूडेंट्स की सबसे बड़ी समस्या क्या है, आप लिखिए और मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा, और एक दूसरे के प्रश्नों को जरा उत्तर को देख लेंगे ना, आइडिया लग जाएगा किस पे वीडियो बनाना जरूरी है। सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिए, दूसरों से भी कराइए, बेल आइकॉन को हिट कराइए ऐसे वीडियो देखने के लिए, मेरे साथ जुड़े रहने के लिए। प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद।